हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप खेल खेल में अपने बच्चों को काउंटिंग कैसे सिखा सकते हैं। नॉर्मली होता यह है कि आप जब भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठाते हो या उसके साथ बैठते हो पढ़ने के लिए कि बेटा चलो आओ पढ़ेंगे, तो बच्चे पढ़ने से मन चुराते हैं। बच्चे पढ़ना चाहते ही नहीं है, सोचते हैं कि बड़ा बोरिंग काम है, चलो नहीं पढ़ना। कुछ ना कुछ बहाने बना के मम्मी के पास से भागते रहते हैं। बट आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी, ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जिससे कि आपके बच्चा इंटरेस्ट लेगा उसको पढ़ने में, खेलने में, सीखने में, काउंटिंग करने में। वो तरीका है कि आप खेल खेल में बच्चे को काउंटिंग कैसे सिखाएं। देखते हैं। काउंटिंग वैसे भी बच्चों को कॉपी पेन पेंसिल लेकर पढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये आप बच्चे को इजीली नॉर्मली आप अपने घर में काम करते हुए भी सिखा सकते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों की मम्मी होती हैं कि वो बच्चे को बड़े ही इजी तरीके से काउंटिंग सिखा सकती हैं। कैसे? जैसे कि आप सब्जी काट रहे हो तो उसमें आलू रखे हो आपकी सब्जी में, तो आप बच्चे को आलू से काउंटिंग सिखा सकते हैं, उनको काउंट करके। आप टमाटर डाल के कोई सब्जी बना रहे हो तो बच्चे को टमाटर काउंट करने के लिए दे सकते हो, खुद भी काउंट करके बच्चे को सिखा सकते हो। प्याज ले लीजिए, बच्चे को प्याज काउंटिंग करने के लिए दे दीजिए। और भी ज्यादा कुछ नहीं तो आप ग्लास दे दो बच्चों को काउंट करने के लिए। बड़े मजे के साथ बच्चे काउंटिंग सीखेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसी ही चीजें आपको दिखा रही हूँ, वीडियो दिखाऊंगी जिससे आपका बच्चा आराम से काउंटिंग सीख सकता है। वन, वन, यार्कु, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, वन वन इलेवन। वेरी गुड। काउंट दीज मैच स्टिक्स। यस, वन, वेरी गुड, टू, वेरी गुड, थ्री, यस, फोर, फाइव, सिक्स, गुड, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, count it. One, two, three, four, five, six, seven, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।